गुरुजी, मन आत्मा और बुद्धि में क्या डिफरेंस होता है और इनका ध्यान से क्या संबंध है? बुद्धि क्या है, ये जो प्रश्न पूछ रही है ना, वही बुद्धि है। जानने की इच्छा कर रही है, वही बुद्धि है। जो सुनने के बाद, जिन बातों को सुनने के बाद आप स्वीकार या अस्वीकार करते हो, वही बुद्धि है। मैं बोल रहा हूँ आपके मन में, जैसे सुन रहे हो आप, मन से सुनते हो, फिर बुद्धि से उसको स्वीकार करते हो, हाँ या ना बोलते हो। जिस तत्व से आप हाँ या ना कहते हो, वह बुद्धि है। मन जिसके द्वारा आप सूंघते हो, देखते हो, संगीत सुनते हो, बुद्धि से संगीत नहीं सुना जाता है, संगीत मन से सुनते हैं। कोई सुंदर दृश्य देखते हैं तो बुद्धि बाधा बनती है, मन से देखते हैं तो मस्ती आते हैं, मज़ा मिलता है, उसमें संतोष मिलता, खुशी मिलती है। मनमानी कहते हैं ना, मौज करना, इसीलिए इसको कहते हैं मौज करो, मनमानी। कई बार जो जहाँ मन चले वहाँ चले गए, बुद्धि कमज़ोर हो तो। बुद्धि का अपना स्थान है, ग्रहण करना नहीं ग्रहण करना। मन जिसके जरिए हम पांचों इंद्रियों से अनुभव करते हैं बाहर की दुनिया को, ये मन है। आत्मा सागर है जिसमें सब कुछ है। आत्मा सागर समझो, मन उसका लहर समझना। जैसे अणु, परमाणु, अणु या परमाणु आत्मा हो, वस्तु जो है वो मन है, उसी से बना हुआ। आत्मा आकाशवत है, उस आकाश में तैरता हुआ बादल, हवा, फूल, पेड़ पौधे, नदी, ये सब जैसे वस्तु हो गया आकाश में, ये सब अपने जो अलग अलग इंद्रियां हैं, ऐसे समझो। तो आकाश से बादल का क्या संबंध है, पूछोगे तो क्या कहेंगे, अरे भाई मूर्ख, बादल रहती है आकाश में, सब कुछ होता है आकाश में, बादल बनती भी आकाश में, बरसती भी आकाश में, रहती भी आकाश में। इस तरह से आत्मा के बाहर ना कोई वस्तु है, ना कोई दुनिया है, ना कोई जीव है, आत्मा ही सर्वत्र है। इसलिए सब जगह जो व्याप्त है वही आत्मा है। ध्यान का क्या संबंध है, ध्यान माने निर्विषयम मना, मन में और कोई विचार नहीं, खाली हो जाए, तल्लीनता में हम विश्राम करने लग जाए। जब विश्राम करते हैं तभी होता है ना, तन का कोई भान नहीं रहता, भास नहीं रहता, ऐसे डूबने लगते हैं अपने आप में, उस स्थिति को कहते हैं ध्यान। किसी किसी धारणा को लेके धीरे 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 ऐसे उपाय पूर्ण हम ध्यान में चले जाते हैं। युक्ति से, उपाय से मन को बिठा दिया ऐसे ध्यान। भजन सुनते सुनते लय हो जाता है तो भी ध्यान लगता है।